हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका डीसी राइडर की एक और मॉडिफिकेशन की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो में जो है अपन पुलिस लाइट जो है इंस्टॉल करेंगे। इस टाइप की जो है पुलिस लाइट जो है अपनी रहने वाली है, ये स्ट्रोब लाइट रहने वाली है और ये पूरी जो है एलुमिनियम बॉडी में रहने वाली है। और इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी जो है मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरह की जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी है, एंड इसको जो है डायरेक्ट सप्लाई देके चेक कराता हूँ। तो अभी जो है मैंने इसको 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। तो इस तरह से जो है ये चलती है। इसमें तीन तरह के पैटर्न जो है इसमें उनको मिल जाते हैं। और इसमें जो है आपको ब्लू ब्लू का कॉम्बिनेशन और रेड रेड का कॉम्बिनेशन और रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन, तीन तरह की जो है इसमें मिल जाती है आपको कलर। और इसको इंस्टॉल जो कहाँ करेंगे अपन, जो यहाँ पर जो है जो अपने लीवर वाला नट बोल्ट होता है, क्लच लीवर वाला, उसकी जगह पे भी इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। पर ऊपर क्या है ये विजिबल होएगी, जिससे क्या है देख सकते हैं इसका जो कलर है रेड ब्लू है, तो ये जो है ऊपर ऐसे विजिबल होएगी। तो चलान वगैरह का खतरा इसमें रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है पुलिस वाले जो है पकड़ते हैं तो आपका चलान वगैरह कर सकते हैं इसमें। तो इसको जो है मैं यहाँ लेग गार्ड मैंने जो है सिंगल रॉड का लगा रखा है, तो नीचे वाले बोल्ट जो है वो खाली है, तो उसको मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा। आप ऊपर वाले बोल्ट पे भी इसको लगा सकते हैं, इजीली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ नीचे वाले बोल्ट पे जो है मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी क्या सीन है, अभी जो है मैंने इसमें दोनों जो लाइट है वो इंस्टॉल कर दी है, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। और देख सकते हैं मैंने किस तरह से जो है इसको इंस्टॉल करी है नट पे बोल्ट से। और इस पे जो है मैंने ब्लैक टेप लगा दी है, ताकि जो है ये कम से कम विजिबल हो। जो अपनी इलेक्ट्रिक टेप होती है ब्लैक कलर की, वो मैंने इस पे लगा दी है। और इसकी जो वायरिंग है वो मैंने कुछ इस टाइप से रखी है, क्योंकि इसमें जो है बीच में एक जो है सर्किट बोर्ड रहता है, उस वजह से जो है। तो इस टाइप की जो है मैं ये लोहे की पत्ती है, इसको मैं यहाँ से कट करके मतलब कि इस तरफ इसको जो है नट बोल्ट पर टाइट कर दूंगा। और ये वायर जो है इसी के साथ मैं टेप करके या फिर टाई बेल्ट से लगा दूंगा। ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसकी जो वायरिंग है मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ ऊपर तक ले आया हूँ। देख सकते हैं किस टाइप से मैंने ये वायर निकाली। यहाँ से मैंने जो है वायर इसमें जॉइंट कर ली है, क्योंकि इसकी वायर जो छोटी पड़ गई थी, इस वजह से मैंने इसमें जो है एक्स्ट्रा वायर का पीस लिया है एक। इसको मैं आगे कर ऐसे वाइजर के अंदर से ऐसे निकाल लूँगा इसको हेडलाइट की तरफ। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ आगे, फिर मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वायर मैंने जो है पूरी इसको एक्सटेंड करके जो है बढ़ा के यहाँ पे ये जो डस्ट कवर होता है इसके आगे से इसको निकाल लिया है। और इसमें जो है नीचे से मैंने इसको वायर को निकाल लिया। उसका कनेक्शन कैसे करना है, ये जो वायर है ये देख सकते हैं, ये ब्लैक में वाइट की पट्टी जो आ रही है, ये लाइट की पॉजिटिव वायर है। और इसको मैंने ये स्विच की वायर में लगाया है, ये स्विच अपना जो हैंडल पर लग रहा है उसकी वायर है दो। तो पॉजिटिव वायर जो लाइट की है वो स्विच की वायर में गई है, ये देख सकते हैं मैंने टेप कर दिया है इसको। आपको जो भी जो कनेक्शन करो उस पर टेप अच्छे से करनी है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो स्विच की दूसरी वायर है उसको आप को इग्निशन कनेक्शन देना है ब्लैक कलर की वायर से, ब्लैक कलर का एक सॉकेट होगा उसमें से अपन को जो है इसको प्लस का दे देंगे कनेक्शन। और ये जो लाइट की माइनस वाली वायर है इसको किसी भी नट बोल्ट पे, या फिर जो है मैं क्या करूँगा इसको सिंपल जो है ये जो पार्किंग बल्ब होता है इसकी जो ग्रीन वायर है माइनस की ग्रीन वायर उसमें लगा दूंगा मैं इसको। तो इसमें जो है अपन का जो इंडिकेटर बल्ब का जो ग्रीन वायर होता है उसमें भी आप इसको लगा सकते हो नेगेटिव वाले वायर को। तो अपना पॉजिटिव वाला भी कनेक्शन इसमें हो गया है और जो नेगेटिव वो भी इसको मिल गया है। तो अभी जो है मैं सिंपल इसकी की ऑन करके और आपको जो इसका लुक दिखाता हूँ। पहले मैं ऐसे दिखा देता हूँ किस टाइप से दिख रही है। और ये मैंने फुल्ली इसको जो है टाइट कर दिया अच्छे से। अभी मैं की ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं की मैंने ऑन कर दी है, और यहाँ से जो है मैं अभी ये बटन जो है यहाँ से दबाऊँगा। तो ये देखिए आप जो है मैंने बटन जैसे ही प्रेस किया तो ये नीचे जो है लाइट अपनी ऑन हो गई है कुछ इस टाइप से। और इसका जो थ्रो है एलईडी का वो काफ़ी अच्छा थ्रो है, मतलब कि नाइट में विजिबिलिटी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एलईडी है। इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का एक लेंस टाइप का लगा हुआ, उससे जो है इसकी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है नाइट के टाइम पे, और देखने पे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर मैं जो है आप जो है इसको जो है ऐसे सिटी वगैरह में यूज़ करते हो, तो ध्यान रहे आप जो है इसको पुलिस वालों के सामने जो है ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपको जो है चलान वगैरह होगा। तो नाइट में जो है मैं जो है अभी रूम की लाइट बंद करके आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप से जो है ये इस
इसका ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस में इसको कोई भी शिकायत नहीं है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसके कुछ शॉट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए।